चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सिलेरिया की जेर सदालत बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के हवाले से कमिश्नर साहिबान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इंतजाम का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सिलेरिया की जेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के हवाले से कमिश्नर साहिबान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन राजा मोहम्मद फारूक नियाज, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद गजनफर खान और कमिश्नर मुजफ्फरबाद बी मसूदुर रहमान ने शिरकत की, जबकि कमिश्नर पॉइंट डिवीजन अंसर याकूब और कमिश्नर मीरपुर डिवीजन शौकत अली बजिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इंतजाम का जायजा लिया गया और कमिश्नर साहिबान की जानब से मुख्तलिफ तजावीज भी पेश की गयी। डिवीजन के कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन को पोलिंग के दौरान अमन अमान की इंतजाम और कोऑर्डिनेशन एंड पीस कम्युनिटी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इंतजामिया 27 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक तैयार है। कोऑर्डिनेशन एंड पीस कमेटी के हवाले से इंतजामिया की जानब से पेश की इकदाम उठाए गए हैं और इस सिलसिले में तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन के हवाले से मुकामी इंतजामिया ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है।